जी, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? अस्सलामुअलैकुम। उलट हो गया बट कोई बात नहीं, अस्सलामुअलैकुम अभी दोबारा से कह देते हैं। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब खैरियत से होंगे? ऑलराइट गाइस, आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीन ये है कि मैंने कुछ दिन पहले शॉपिंग की थी, कुछ दिन पहले नहीं, मतलब जो मैं डेली शॉपिंग करता हूँ वो कभी आराज से, कभी ब्रावो से, कभी दूसरी से। गाइस वो देखें सामने ना, बिल्ली मर गई है, दूसरी बिल्ली उसके पास है, उसको देख रही है रोड पे। देखो बिल्ली मर गई, ओहो, ओह माय गॉड, कोई गाड़ी वाला मार के चला गया। तो वेल गाइस, जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। ये है कि या जब आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, मतलब कि ग्रॉसरी वगैरह करते हैं, तो उसमें प्राइसेस का फ़र्क आता है। वो आपको मैं आज कंपेयर करके बताऊंगा कि क्या फ़र्क आता है, कैसे आप जो है अपने पैसे बचा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले राइट नाउ जो अभी मैं हूँ वो मैं निज़ामी स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ, और ये ओल्ड टाउन है। और अभी सीन ये है कि यहाँ से मैं निकलूँगा, पहले मैं आपको रेट्स दिखाऊँगा जो मार्केट में रेट्स हैं वो, उसके बाद जाके मैं आपको दिखाऊँगा कि और जो वहाँ से जो चीज़ें आपको मार्केट से मिलती हैं वो चीज़ें आपको और कहाँ से मिलती हैं, और कितनी सस्ती मिलती हैं, एंड हाउ मच मनी यू कैन सेव। जो आपका बजट है ग्रॉसरी का वो आप कैसे पैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे। सो चलें अंदर जाते हैं मार्केट में, फिर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं जो अगर आपको वेजिटेबल्स चाहिए, जो हैं फ्रूट की प्राइसेस हैं 199। ये बाहर आपको दिखाऊंगा कितने का है, और ये देखें डिस्काउंट भी लगा है, लेमन भी हैं, और ये बाकी जो वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं, तरवेज़ेदार बोलते हैं इनको, तो ये जो है जिंजर यहाँ पे 399 की डिस्काउंट में लगी है, 669 की, और ये हो गया शिमला मिर्चें 439 की, बाकी उधर सस्ती मिर्चें भी हो गई। और ये अगर केलों की बात करें तो यहाँ पे 289 के लगे हैं, बाहर और सस्ते हैं। ये मोस्टली जो है यहाँ पे चीज़ें जो है डिस्काउंट पे लगी हुई हैं। स्ट्रॉबेरी 449 की है, और उसके बाद ये आलू है यहाँ पे, ये इनमें दो फर्क, दो तरह के आलू होते हैं, एक तो ये काले वाले हैं, एक वो दूसरे वाले हैं। तो इनमें 0.99 के लगे हैं, प्याज 0.49 का है, इधर 0.35 का, और सस्ता हो गया। ये दूसरा जो हम पाकिस्तान में प्याज यूज़ करते हैं 199 से 0.85 पे हो गया, ये आलू वगैरह हो गए, प्याज हो गया। तो गाइस ये चीज़ थी, ये सीन था। फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैं अंदर अपना फेस और रख के फ्रंट पे वीडियो नहीं बना सकता था। ये जो मैंने आपको प्राइसेस दिखाई हैं ना, ये वाली प्राइसेस जो हैं मार्केट के अंदर राइट नाउ ये प्राइसेस लगी हैं, जो वेजिटेबल्स की हैं, डे बाई डे चेंज भी होती हैं, थोड़ा सा फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं आता। सो अभी आपको मैं ये दिखाऊंगा कि यही चीज़ें, यही सब सब्जियां, यही सब फ्रूट्स आपको कहां से और भी मिल सकते हैं। लेट्स से ये तो ही बड़ी जो स्टोर्स है ना, अराज मार्केट हो गई, और ब्रावो सुपर स्टोर हो गया, ग्रैंड मार्केट हो गई, ठीक है। ये जो स्टोर्स हैं यहां पे प्राइसेस हमेशा ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ़ टैक्स, बिकॉज ऑफ क्योंकि एक तो ये मतलब ज़ाहिर है कंपनी है, इन्होंने टैक्स बिल वगैरह पे करने होते हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी प्राइसेस एक्सपेंसिव है। अब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, मैं शॉप्स दिखाता हूँ छोटी छोटी, जो मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान में गली मोहल्ले में लगी होती, रेडी नहीं बोलेंगे, जो गली मोहल्ले में लगी होती हैं हमारी शॉप्स वगैरह। ये देखें साइकिल पे वो बोल्ट का काम कर रहा है, तो काम शाम लोग कर रहे हैं भाई, बताता कोई भी नहीं है, लेकिन सब काम कर ही रहे होते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो गली मोहल्ले की बात कर रहे थे, गली मोहल्ले में जो शॉप्स वगैरह बनी होती हैं छोटी छोटी, लेट्स से आप जहाँ पर रह रहे हैं, अभी ये मैं ओल्ड सिटी में हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हर जगह पे फ्रूट्स की शॉप है, और वहाँ पे आप अपना फ्रूट वेजिटेबल्स जो है ना कम प्राइस में ले सकते हैं। अभी मैं आपको प्राइसेस भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे जाने दें तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो अभी जो है मैं इधर आ गया हूँ, इधर एक शॉप है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। ये सामने है, यहाँ से आप देखें ये फ्रूट्स वगैरह हैं, यहाँ पर सस्ते लगे, हर चीज़ जो है ना आपको सस्ती मिलेगी। और इसमें टमाटर हैं, टमाटर को पोमीदर कहते हैं, ये प्याज वगैरह हो गया, सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू मार्केट यहाँ पे प्राइस बहुत सस्ती हैं। तो अगर मैं इससे पूछूँ खादा वो पोमीदर कच पा रहा था कदा से पोमीदर फिर खीले एक ही अली 2 रुपये, और 2 रुपये 2 मनात,
2.50 इस तरह ये वाले ना सारे जो टमाटर लगे हुए। अब ये टमाटर वहाँ पे जो थे ना वो वहाँ पे वो महंगे थे, ठीक है, वहाँ पे 3 समथिंग के थे। अब ये जैसे कि क्यूकम्बर हैं, शिमला मिर्च हैं, ये हैं, इन सब की प्राइसेस का फ़र्क है, मतलब कि जो आप अपने पैसे वगैरह जो है वो कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये बताऊँ कि जो मज़ीद आगे अगर मैं ज़ूम करूँ, ये देखें आलू प्याज स्याज जो सब चीज़ें हैं इन सब पे भी जो है ना डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, मतलब जो इनकी एक्चुअल प्राइस है वो मार्केट में ज़्यादा है, यहाँ पे आपको सस्ते दामों में मिल सकते हैं, जिससे आप ये है कि अपने पैसे बचा सकते हैं और अपना ख़र्चा भी बचा सकते हैं, अपना जो डेली मंथली आपका जो बचत है वो भी आप इतना सेव कर सकते हैं। इस तरह सारी जो शॉप्स हैं वो आपको हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, आपको बड़ी मार्केट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे जितने आप चाहें बचा सकते हैं आप बचा सकते हैं। एंड और यहाँ से आप डेली फ्रेश, ये नहीं कि कोई मतलब ख़राब होती है ऐसा होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आपको फ़्रेश जो है ना वेजिटेबल्स मिलेंगी, चाहे आप मार्केट से लें यहाँ से लें, लेकिन यहाँ से आपको ये एक मतलब के प्राइवेट शॉप आप कह सकते हैं, ये भी एक अच्छा बिज़नेस है। अगर आप सब्ज़ी का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी दैट्स एन गुड आइडिया, एंड आप अपने डेली एक्सपेंस को भी जो है ना कम कर सकते हैं। बाकी एक और भी शॉप मेरे सामने आ गई है, मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें एक ये भी शॉप मुझे हमें मिली है, जिसमें ये कि प्याज टमाटर और आलू ये जो हैं इनमें सारी प्राइसेस के बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क हैं, ये आप देख सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी साफ़ सुथरी, जैसे उधर मार्केट में पड़ी हुई थी केले शेले टमाटर शटर प्याज श्याज जो हैं सब कुछ। प्राइसेस मतलब कि ये बोलें कि 50 कोपेक जो है ना वो कम ही होंगे। आपको जहाँ जहाँ आप मतलब रहेंगे ना, लेट से आप रहते हैं तो वहाँ पे आपको नियर बाय आपको ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी, सो डोंट रन फॉर द बिग मार्केट्स बिग शॉप्स के, जहाँ पे आपको ज़्यादा आपका बजट बने, ज़्यादा आपका ग्रॉसरी बने, वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी आपने ख़रीदने हों, सो व्हाट आई प्रेफर के आप अपना कम से कम जितना आप अपना पैसे बचा सकते हैं बचाइए। एंड ये चीज़ें थी गाइस, और कल मैं जो है ना घर के हवाले से ब्लॉग बनाऊंगा कि घर कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कैसे और क्या प्रोसीजर होता है। तो आज तक के लिए इतना ही गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।